हाय हाय, तुम हो काय भी गए थे उसको काय भी गए थे और तुम तुम्हारे साथ था कौन था हाय हाय, तुम हो काय भी गए थे उसको काय भी गए थे और तुम तुम्हारे साथ था कौन था आप पर आरोप लगा है स्याही फेंकवाने का जी, जो पकड़ा गया है, बताएं पूरा मामला क्या है। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बता दूं जो ये घटना की गई है बहुत निंदनीय है, और इसका मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं 2 दिन से कुशीनगर में था। हमारे जिला पंचायत सदस्य भारतीय जनता पार्टी का वर्ग चल रहा था, वहाँ पे जिला पंचायत सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जा रहा था। 2 दिन तो मैं वहीं था, कल रात में मैं मऊ वापसी किया हूँ, तो कल रात में ही ये जो घटना हुई थी मैं उसकी वीडियो देखा। तत्पश्चात अभी सुबह मैंने एक वीडियो देखा है कि वो जो तथाकथित लड़का है वो हमारा नाम ले रहा है। तो मैं इस साजिश को बहुत बखूबी जान रहा हूँ कि साजिश कौन करा रहा है मेरे खिलाफ। जी, क्यों ऐसा, आप ही का नाम क्यों लिया गया? उसका भी कारण मैं बता दूँ। समाजवादी पार्टी से आदरणीय सुधाकर सिंह जी घोसी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, और सुधाकर सिंह के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के साथ सिर्फ एक यादव सबसे बड़ा चेहरा घोसी विधानसभा में ही घूम रहा हूं। सुधाकर सिंह को इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, बस इस नुकसान को भरपाई करने के लिए माननीय सुधाकर सिंह ये गलत कार्य और गलत आरोप हमारे पे लगवा रहे हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीयता हमारे से ख़त्म हो, हमसे कम हो, इसके लिए वो साजिश किया गया है। हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, पुलिस अपनी जांच करा ले, जो भी करना है प्रशासन अपना कार्रवाई करे, उससे पूछताछ करे। तो उससे क्या संबंध है जो पकड़ा गया है आपका, उससे क्या संबंध है? हमारे कोई उससे संबंध नहीं है। अभी हमने फोटो भी देखा, किसी ने वो दिखाया कि नहीं हमारे साथ वो बैठा है। तो मैं एक यहाँ पे छात्र नेता भी रहा हूँ DCSK PG कॉलेज का, और लगातार पूरे जिले में मैं अन्य कार्यक्रमों में जाते रहता हूँ। मैं किसी कार्यक्रम में बैठा हूँ, शादी ब्याह का कार्यक्रम है, उसमें हमारे साथ वो शायद बैठा हुआ है। तो अन्य आप भी जानते हैं कि नेता कार्यक्रम में जाते आते रहते हैं, कोई फोटो ले सकता है, और हमारा कोई संबंध नहीं है। वैसे तो मिलना जुलना पूरा जिले का, छोटा सा जिला, सबका होते रहता है, लेकिन इसमें लोग विरोधी लोग सिर्फ इसमें एक यादव चेहरा कैसे भाजपा में बदनाम हो, वो बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। स्याही फेंकने से फायदा किसको होने वाला है? स्याही फेंकने से फायदा अब तो हमको लग रहा है कि सुधाकर सिंह को ही सबसे ज्यादा फायदा होना था, उससे जो उनके विचार थे कि दारा सिंह चौहान पे स्याही फेंकवा दिया जाए, जिससे लोगों में ये संदेश जाए कि लोगों में आक्रोश है। हालांकि इसका हमें फायदा हुआ है, नुकसान नहीं हुआ है। ये फायदा क्या हुआ है, अगर आप पिछड़े दलित के बेटे को आप बदनाम करना चाहेंगे, हाँ, आप उसको नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे, क्या ये सही है? समाजवादी पार्टी लगातार अपने विचारों से भटक चुकी है और ऐसे कार्य करा रही है।